की जो कलर है ना भाई, ये मुझे काफी अच्छी लगती है, राधर देन दिस वन। और कितना का आया भाई बिल? 10,645, जिसमें हमने एक चीज जो कराया वो इंक्लूडेड नहीं है, वो मैंने अलग से लगाया भाई, वो था इस बाइक का डिस्क पैड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड भाई आज अपन अपनी गॉडज़िला को लेके जा रहे हैं सीधा कावासाकी सर्विस सेंटर, क्योंकि हमारे बाइक का ना फोर्थ सर्विस होने वाला है। एंड देखो, बाइक तो 15,000 किलोमीटर पूरा होने पे कराना चाहिए सर्विस, बट मैं ना 13,500 पे ही करा रहा हूँ, क्योंकि अपनी बाइक ना काफ़ी दिन से सर्विस हुई नहीं है। इस बार ना चली कम है बाइक, इस वजह से भाई किलोमीटर कम लेकिन टाइम काफ़ी दिन से हो रखा था सर्विस का। और आज सुबह से भाई इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश, अभी लगभग 3 बज रहे दोपहर के, अभी जा रहा हूँ सर्विस कराने। लेट्स सी अभी सर्विस हो पाता भी है नहीं, क्योंकि भाई मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, हो जाएगा। अब तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा सर्विस हो पाएगा या नहीं। ये देखो रोड का क्या हाल हुआ पड़ा है, और टेल टैडी की वजह से आपको पता ही भाई, पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है पीछे। मैंने बैकपैक इसीलिए ले लिया, जो भी कीचड़ है बैकपैक के ऊपर आएगा, मेरे टी शर्ट गंदे नहीं होंगे। तो भाई लोग, ये अपन आ चुके हाईवे के ऊपर भाई, एंड टायर का जो हालत है ना पीछे, अभी आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है। आपको मैं रुक के वहाँ पे बैकपैक का हालत दिखाऊंगा क्या हुआ है। बस ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भाई मॉनसून के टाइम में, मतलब बारिश अगर हो गई तो आप राइड नहीं कर पाओगे अच्छे से। मैं ना घर से बाइक पूरी चमका कर निकला था, लेकिन अगर मैं रुकूंगा ना जहाँ पे, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा बाइक का क्या हालत हुआ पड़ा है। पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है पीछे। और पटना का जो कावासाकी शोरूम है ना, वो पहले कहीं और था, अभी वो शिफ्ट होकर इधर आ चुका है, तो आपको वो भी चेकआउट कराएंगे। एंड इस शोरूम पे हमने भाई एक टाइम विजिट करा था, बट एक बार आपको पूरा वॉक अराउंड देते भाई, वहाँ पे अभी कौन कौन सी बाइक अवेलेबल है। ये लो भाई डाउन शिफ्ट। सॉरी बारिश की वजह से हमने ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहना, क्योंकि बस सर्विस कराने जा रहे थे, अभी कोई भगा नहीं रहे भाई, एकदम आराम आराम से जा रहे हैं सिर्फ सर्विस कराने। भाई अपने को ना आगे से यू टर्न लेना, क्योंकि पीछे ही रह गया भाई शोरूम और सर्विस सेंटर, दोनों एक ही जगह है। ये देख रहा हूँ यू टर्न कहाँ से भाई, ये रहा यू टर्न। एक और चीज, ऐसे वेदर कंडीशन में ना बाइक को जितना आराम से हो सके चलाओ, कोशिश करो अपने लिमिट में चलाने की। KTM का भी शोरूम है और बिल्कुल ठीक यहाँ से भाई पास में। ओ, यही से कट करना था भाई। ओके भाई, अपन कावासाकी देख लो भाई, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कावासाकी का है। अभी मैं सोच रहा हूँ बाइक को लगाए किधर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई कावासाकी के शोरूम के ऊपर भाई, बाइक अपनी सर्विस हो रही है। एंड यहाँ पे देखो ये लगी है भाई, ये वाले टेनर के जो कलर है ना भाई, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, राधर देन दिस वन। और आपको मैं बैग का हालत दिखाता हूँ, ये देखो भाई क्या हालत हो चुका है अपने बैग का। इसीलिए बोला था भाई मॉनसून में ना बाइक को राइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला हो जाता है। एंड एक बार आपको मैं पूरा शोरूम का वॉक अराउंड देता हूँ भाई, कुछ ऐसा है यहाँ का शोरूम। यहाँ पे लगी भी है भाई 650, और ये देखो दिस इज़ समथिंग न्यू। यहाँ पे लगे निंजा 500, बाकी यहाँ पे पूरा लाइनअप है भाई, देख सकते हो 300। इधर एक और अलग बाइक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हियर वी हैव अ एलिमिनेटर, जो कि भाई 450 cc के, नहीं वाले 451 cc की है एग्जैक्ट, मेरे को पता भी नहीं है। उधर एक जी 900 10R 300 300 300, तो कुछ ऐसा भाई यहाँ का लाइनअप है। तो फिलहाल जैसे बाइक अपनी सर्विस हो जाती है फिर यहाँ से निकलते हैं, एंड बाकी के आपको बताते हैं भाई क्या खर्च आया आज के अपने सर्विस में। भाई इतना सारा बिल आया है, मतलब बिल तो एक ही आया है, लेकिन इतना सारा पेपर निकला है बिल के लिए। और कितना का आया भाई बिल? 10,645, जिसमें हमने एक चीज़ जो कराया वो इंक्लूडेड नहीं है, वो मैंने अलग से लगाया भाई, वो था इस बाइक का डिस्क पैड, जो कि बताऊंगा बाद में बताऊंगा, अभी ऐसे निकलते हैं।
भाई इतना सारा बिल और इतना साइन तो मैं गाड़ी खरीदने के टाइम भी नहीं किया था। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, आपसे मिलते हैं उनको। ऑल राइट गाइस, तो अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस मशीन। भाई सर्विस के बाद आपको पता है भाई बाइक ना और भी मजेदार हो जाती है। एक और चीज मैं बताऊंगा, बाइक की थ्रॉटल बॉडी वगैरह हमने क्लीन। ओहो भाई स्टार्ट होती है ना एक साथ जो आवाज़ है बिल्कुल चेंज हो चुका है। बीच में ना आवाज़ बहुत दबा दबा सा हो गया था। द ओनली रीज़न इज़ कि इसकी थ्रॉटल बॉडी गंदी थी, एयर फिल्टर गंदा हो चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने भाई एक साल कुछ महीने हो गए अपनी सर्विस नहीं हुई थी बाइक की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक 2900 किलोमीटर चली थी लास्ट सर्विस के बाद। तो अब हमने डाल दिया भाई गियर पे, चलते यहाँ से। ओहो दैट क्रैकिंग साउंड मैन। तो भाई जैसे अपनी बाइक सर्विस होती है ना भाई, उसके बाद ना बाइक का राइड फील बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड बाइक के जो पीछे वाली डिस्क पैड थी वो भी हमने चेंज करा दी है, क्योंकि पीछे वाली पैड से ना भाई एकदम रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा था। तो भाई बहुत ही लाउड हो गई है। भाई थ्रॉटल बॉडी क्लीन होते हैं ना बाइक और भी ज़्यादा लाउड हो जाती है। इसमें हमने ना भाई सिरामिक पैड डलवाए एंड स्टॉक जो आता है कंपनी का वो आता है लगभग 4500 या 4800 रुपीज़ का, एंड हमने जो डलाया वो आया लगभग 1300 रुपीज़ का। बट द थिंग इज़ कि भाई ये वाला मैं पिछली बार भी यूज़ करा था वेस्ला का सिरामिक ब्रेक पैड, तो भाई ये एक लाइफ सेवर हैक है, क्योंकि आपको पता है भाई ऑलमोस्ट 3000-4000 किलोमीटर पर आपकी ब्रेक पैड ख़त्म हो जाती है, बहुत से बहुत चलेगी तो 5000 किलोमीटर उसके ऊपर नहीं चलने वाली। तो आप लोग जब भी अगर चाहो तो भाई ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हो, जो भी अपनी सुपर बाइक में डालना चाहते हो। तो भाई बाइक क्या भाग रही है। बोलना चाहूँगा ना, सर्विस के बाद बाइक का फील बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब अपन लेकर गए थे तो ऐसा लग रहा था कि बाइक ना कहीं फंसी हुई चल रही है, अब देखो भाई क्या मस्त चल रही है। तो भाई ये अपने बाइक का था फोर्थ सर्विस, तो फोर्थ सर्विस भी हमने करा लिया एंड अपनी बाइक सिर्फ और सिर्फ कितनी चली वो मैं दिखा देता हूँ, 13573 किलोमीटर, विच मीन्स कि भाई बहुत ही कम चली है। अगर अभी देखा जाए तो इसको ना भाई 15,000 के अराउंड सर्विस कराना था हमें, क्योंकि लास्ट सर्विस हमने 10,700 पे कराया था, तो ज़्यादा चली भी नहीं है भाई। ये देखो भाई यही रीज़न होता है ना भाई, रात को जब आप राइड करते हो ना ऐसे लोग कहीं से भी रोड क्रॉस कर जाते हैं, और विजिबिलिटी ना बहुत कम होती है भाई, क्योंकि इनके हेडलाइट्स ना उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सात बज चुके हैं भाई, मतलब सर्विस कराने में ना पूरा दिन चला जाता है। बट हाँ, जो लेवल का सुकून मिलता है, जिस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है ना सर्विस सेंटर पे सर्विस करा के, वो आप कोई सी भी बाइक हो, चाहे आप नॉर्मल बाइक चलाओ सुपर बाइक चलाओ, अगर आप एक सर्विस सेंटर से कराओगे ना सर्विस, उसका एक सेटिस्फैक्शन अलग होता है भाई। जिन जिन लोगों को भाई ये चीज़ फील होता है ना, प्लीज़ भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर्विस सेंटर में भाई काम कराने में मज़ा आता है या नहीं, क्योंकि भाई आफ्टर मार्केट ना वो फील नहीं आता, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता, पता नहीं क्यों। ओहो भाई ये जो क्रैकलिंग साउंड है ना, इसका कुछ कहना ही नहीं है। क्यों लग रहा है इसका आरपीएम ना थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, देखो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास है, जबकि इसको 1 से 2 के बीच, मतलब 1.5 के अराउंड होना चाहिए। तो ये चीज़ अपन एडजस्ट करवाना पड़ेगा भाई, अभी तो नहीं, अभी कराएंगे तो लेट हो जाएगा, किसी और दिन करा लेंगे। ये देखो, क्योंकि नॉर्मल पे भी ना बाइक कितनी तेज़ चल रही, देखो क्योंकि आरपीएम इसका ज़्यादा हुआ पड़ा है। ये देखो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास जा रहा है इसका आरपीएम। तो भाई इसको ना 1500 के आसपास होना चाहिए, 2000 पे ना मतलब ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पास में मैं दिखा रहा हूँ 2000 के क्लोज है बिल्कुल, ये थोड़ा ज़्यादा है। सर्विस कराने में ना मतलब पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया भाई, इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है। ये देखो भाई एक
कहीं पे ना मुझे ये कार बहुत ज़्यादा पसंद थी भाई, क्योंकि ना इतना खूबसूरत लगता है एंड मुझे शुरू से भाई सेडान बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कभी ये मेट्रो बनेगा, कभी ये सड़कें बनेंगे पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से ना पूरे पटना की सड़कों का भाई हालत ख़राब है, और इसी वजह से भाई ट्रैफिक भी हर तरफ काफ़ी ज़्यादा लगती है। ये देखो भाई क्या हालत है रोड का। भाई देख रहे हो बारिश से क्या हालत हो चुका है भाई रोड का। एक तो रोड भी टूटे, ऊपर से हर तरफ पानी लगा है, कीचड़ कीचड़ फिर से हो जाएगा यार। कभी कभी ऐसा लगता है ना भाई ऐसे रोड्स पे लेकर ही नहीं चलो भाई बाइक को, बट ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि सर्विस सेंटर जाने के लिए भाई इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। आई होप आपको आज की वीडियो मज़ा मिले, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड भाई आपको मैंने टोटल कॉस्ट भी बता दिया, लगभग अप्रॉक्स 11,000 रुपये भाई अपने बाइक में। ये सबसे बड़ा दिक्कत है भाई, एग्जॉस्ट के ना दोस्त बन जाते हैं ये डॉग्स। तो लगभग 11,000 और 1,000 एक्स्ट्रा मान लो 12,000 रुपये का खर्चा है हमारे फोर्थ सर्विस के अंदर। तो अब अपनी बाइक भाई ओके रिपोर्ट हो चुकी है, जैसे ही भाई वेदर ठीक होगा तब अपन इसको लेके चलेंगे कहीं राइड पे। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते फिर ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।